दोस्तों अब बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, चार फर्जी बीमा एजेंट या यूं कहूं कि फ्रॉड बीमा एजेंट को हिरासत में लिया गया है। विवेक कृष्ण सिंह, अब्दुल रजाक रहमान शेख और राजेंद्र यादव, इन लोगों ने एक बड़ा कांड किया है। लगभग 1129 फर्जी बीमा पॉलिसियां बनाकर बेच दी 2020 और 2021 के बीच में। कहीं आपकी बीमा पॉलिसी भी फर्जी तो नहीं है? कहीं आपके एजेंट ने भी आपके साथ ऐसा ही कुछ फ्रॉड तो नहीं किया है? और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये फ्रॉड करने की तकनीक बिल्कुल नहीं है, यह है मार्केट के अंदर। जी हाँ, पहले जो टेक्निक्स यूज की जाती थी फ्रॉड के लिए, ये उनसे बिल्कुल नहीं है। क्या है ये टेक्निक और किस तरीके से हजारों लोगों को बेवकूफ बनाया गया इस नई तकनीक से, और कैसे 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया इस पूरे खेल के अंदर, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। दोस्तों हाल ही में मुंबई ब्रांच ने कुछ फ्रॉडस्टर पकड़े हैं जो अपने आपको एजेंट कहते थे, बीमा एजेंट थे लेकिन फ्रॉड थे। कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, विकेश कृष्ण सिंह, अब्दुल रजाक रहमान शेख और राजेंद्र यादव। चीटिंग, फॉर्जरी, विश्वासघात की धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, और इन्होंने कांड ये किया है कि 2020 और 2021 के बीच में 1129 फर्जी पॉलिसियां बेची। हुआ क्या कि 4 पहिया वाहन या 6 पहिया वाहन गाड़ियां थी, लेकिन उनको 2 पहिया वाहन की पॉलिसी चिपका दी गई। जो पॉलिसी 20,000 की या 40,000 की बननी थी, 400-500 रुपये वाली पॉलिसी उनको चिपका दी गई और किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सारी की सारी पॉलिसी टाटा AIG कंपनी की थी, और पॉलिसी बाजार जो पोर्टल है वहाँ से जारी हुई थी, और इस स्कैम को पकड़ा खुद बीमा कंपनी ने ही है, टाटा AIG ने। इसका मतलब टाटा AIG की खुद की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस पूरे सिस्टम को फ्रॉड किया गया उसके साथ, ये जो 4 लोग हैं जो बीमा एजेंट अपने आप को कहते थे, इन लोगों ने वो फ्रॉड किया। और टाटा AIG की खुद की ऑडिट हुई, जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी पॉलिसीज हैं जिनके अंदर एक ही ईमेल आईडी और एक ही फ़ोन नंबर है, तो वहाँ पर उनको कुछ शक पैदा हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई कि ये जो बीमा किया जा रहा है असल में गाड़ी 4 चक्का है, मान लीजिए कोई कार है, टैक्सी है, या छोटा हाथी है, या ट्रक है, लेकिन बीमा उसका 2 पहिया वाहन की कैटेगरी में किया गया है। ये क्या है, तो वहाँ से सारा कुछ निकल के आया। क्राइम ब्रांच ने ये जाँच करी और उसके बाद 3 लोगों को, जैसे मैंने बताया, हिरासत में लिया गया। कुल 1129 ऐसी फ्रॉड हुए हैं, पॉलिसियां बेची गई हैं, और जिसमें से 258 पॉलिसियां महाराष्ट्र में ही बेची गई हैं। ऐसा भी अभी जांच में निकल कर आएगा कि क्या ये सिर्फ टाटा AIG की पॉलिसियां ही ऐसे करते थे, या और भी बीमा कंपनियां को इन्होंने चूना लगाया है, कस्टमर्स को चूना लगाया है, वो अभी बातें सामने नहीं आई। और ये भी नहीं अभी पता कि इनके अलावा और कितने लोग ये काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फ्रॉड करते कैसे थे, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि बहुत सारी तो शायद ट्रांसपोर्ट टीवी पर ही हमने कई स्टोरीज कुछ साल पहले बताई थी कि कैसे फोटोशॉप पॉलिसी बेच दी जाती थी। कहीं पर कोई पैसा किसी बीमा कंपनी को दिया ही नहीं, कि कोई पॉलिसी जारी हुई ही नहीं, कोई एक पुरानी पॉलिसी ली, उसकी PDF कॉपी ली या JPG फाइल ली, और उसके अंदर कंप्यूटर से उसकी डेट बदल दी सीधी, मतलब 20 का 21 कर दिया, 21 का 22 2022 बना दिया, इस तरीके से पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया। ये तो एक आम चलता था काफ़ी सालों से। फिर ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने जानकारी ये देनी शुरू करी, बताना शुरू करा कि इस तरीके से फ्रॉड होता है, तो आप एक काम करो, वाहन की वेबसाइट पर जाकर vahan.nic.in पर जाके देखो कि तो आपकी पॉलिसी अपडेट हुई है या नहीं। कई बार 24 घंटे में हो जाती है, कई बार 3-4 दिन लग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसीज़ को हमारे बार बार कहने के बाद वाहन पर जाके, वाहन सॉफ्टवेयर पर जाके चेक करने लगे। उससे जो क्या हुआ कि जो फोटोशॉप पॉलिसी वाला फ्रॉड था वो बंद हो गया। और भी कई तरीके थे, चेक दे दो, फिर चेक को बाउंस करा दो, खुद कैश ले लो और खुद बीमा कंपनी को एजेंट चेक दे देता था, फिर उसको बाउंस करा देता था, पॉलिसी तब तक जनरेट हो जाती थी, उसको पॉलिसी पकड़ा दी, उसको लगता है मुझे असली पॉलिसी मिली है,
लेकिन वो पॉलिसी 3-4 दिन बाद जब पैसे चेक बाउंस होता था वो पॉलिसी खारिज हो जाती थी, लेकिन उसको कस्टमर को नहीं पता चलता था, तो इस तरीके का भी फ्रॉड होता था। अब लेटेस्ट क्या करा है कि पॉलिसी तो फर्जी है लेकिन वाहन पर भी अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये लोग करते क्या है कि जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें गाड़ी का नंबर सही होता है। अगर मान लीजिए ट्रक का बीमा है तो उसमें उसी ट्रक का नंबर ही लिखा रहेगा, चेसी नंबर भी उसी ट्रक का लिखा रहेगा, इंजन नंबर भी उसी ट्रक का लिखा रहेगा, लेकिन जहां पर व्हीकल कैटेगरी होती है वहां पर ट्रक की जगह दो पहिया वाहन कर दिया जाएगा, उसका नाम लिख दिया जाएगा, टाटा की जगह टीवीएस जुपिटर आ गया। तो इससे होता क्या है कि वाहन के ऊपर अपडेट हो जाएगा कि ये जो ट्रक है इसका बीमा हो चुका है और उसकी जो नेक्स्ट ड्यू डेट वो अगले साल की दिखाएगा, कस्टमर को भी ये हो गया और कोई पुलिस अथॉरिटी भी ऑनलाइन अगर चेक करना चाहेगी तो उसको भी दिखेगा कि ये गाड़ी का तो बीमा हो चुका है। तो इस तरीके से ये फ्रॉड को अंजाम दिया गया। अब इसके अंदर आप कहेंगे देखिए बीमा कंपनी को एक तो चूना लगा, सरकार को भी चूना लगा, सरकार को तो टैक्स का चूना लगा और जो उसका रूल था कि भाई हर गाड़ी को बीमा कराना है उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई, क्योंकि बीमा तो जब कभी एक्सीडेंट होगा तो पकड़ ही जाना है कि फर्जी है, क्लेम तो इसमें कुछ मिलना है नहीं। लेकिन साथ में बीमा कंपनी को जहां पर 50,000 रुपये का प्रीमियम मिलना था उसको तो 400-500 रुपये का प्रीमियम मिला, तो ये उसके साथ भी फ्रॉड हो गया। कल को गाड़ी के नीचे आके किसी की भगवान ना करे मौत हो गई थर्ड पार्टी की, तो उस व्यक्ति का भी नुकसान हो गया क्योंकि बीमा तो फर्जी है, बीमा कंपनी ने वो पैसे नहीं देने थर्ड पार्टी को। जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसकी पॉलिसी, जिसकी गाड़ी की फर्जी पॉलिसी बनी है, वो आएगा घेरे में। 10 लाख 20 लाख 50 लाख का अगर कोई क्लेम डल गया तो उसको अपने घर से देना पड़ेगा। अब इसके अंदर गाड़ी मालिक की गलती है या नहीं, उसमें भी दो केस है, मैं आगे आपको बताऊँ जो हमारे एक्सपीरियंस से, जहाँ हमारी बात हुई लोगों से, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केस आते रहते, उससे जो हमें समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में क्या हो रहा है वो आप ज़्यादा जानते होंगे। होता यह है कि दो तरह के गाड़ी मालिक हैं, एक तो वो गाड़ी मालिक हैं जो जानबूझकर ये करवाते हैं, खुद की 20,000 की 50,000 की पॉलिसी बननी थी और ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो ऐसे फ्रॉड पॉलिसियां बनाता हूँ और उससे 500-600 रुपये एजेंट का खर्चा है, उसे 1,000 रुपये और दे दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसी एक पॉलिसी लेके रख ली जिससे पुलिस वालों का घर पूरा हो गया, मतलब पुलिस वाले नहीं इसको पकड़ सकते। तो जहाँ पे वो स्कूटर का नाम लिखा उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोशॉप कर देंगे, बाकी सारी चीज़ ठीक है, वाहन पे जाएगा पुलिस वाला चेक करेगा, आरटीओ चेक करेगा, उसको सही मिलेगा, वो नहीं पकड़ पाएगा इसको जल्दी जल्दी। तो वो काम हो गया 1,000-2,000 रुपये में और 20,000-50,000 जो देना था वो बच गया, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। जैसे मैंने बताया कि कल को अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ना तो खुद की गाड़ी का कुछ मिलना है या चोरी हो गई गाड़ी, और अगर थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया वो भी जेब से भरना है, बीमा के पास तो वो जाएगा ही नहीं, उसको खुद पता है कि उसने फर्जी पॉलिसी ले रखी है। तो एक तो ये कैटेगरी ऑफ कस्टमर है, देखिए अब उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने तो खुद फ्रॉड करा है, वो तो खुद कुएं में छलांग लगा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं ना जो जानबूझकर नकली शराब पीते हैं, ना जानबूझकर नकली पनीर खा रहे हैं, उनका अब क्या सलूशन है। तो अब इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी जिनके साथ सच में फ्रॉड होता है, जो गाड़ी मालिक नहीं चाहता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसी फर्जी पॉलिसी लूं। अब वो कैसे फंसते हैं कि मान लीजिए 20,000 की पॉलिसी, उसे बोला जाता है कि सर कैशबैक है 5,000 का, आपको 15,000 में मिलेगी, आपको 14,000 में मिलेगी, आपको 12,000 में मिलेगी, या 60,000 वाली पॉलिसी आपको 50,000 में मिलेगी, असल में दो पॉलिसी 500 रुपए की है। तो 20,000 बोल के उसको 12,000 में दे दिया, उसको लग रहा है मुझे 8,000 रुपये डिस्काउंट मिल गया या कैशबैक मिल गया, असल में पॉलिसी 500 रुपए की है तो 12,000 लेगी उसका। तो वो जो गाड़ी मालिक हैं उनके साथ असल में फ्रॉड हो रहा है, बीमा कंपनी को भी छोड़िए आप, सरकार को भी छोड़ दीजिए, असली फ्रॉड उनके साथ हो रहा है। कल को जब एक्सीडेंट भगवान ना करे होगा तो अपनी गाड़ी का तो कुछ नहीं मिलना, थर्ड पार्टी का जो क्लेम डलेगा 10-20 लाख रुपए का वो भी अपनी जेब से देना पड़ेगा। वो लोग ज़्यादा कैश बैक के लालच में रगड़े जा रहे हैं इस पूरे जो ये सिनेरियो जो चल रहा है, ये जो फ्रॉड स्कैम चल रहा है। और IRDA को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आंखें खोलिए, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये टाटा AIG ने ये फ्रॉड पकड़ा है, असल में ये IRDA को पकड़ना चाहिए था। IRDA को जो कैश बैक के नाम पर ये जो फ्रॉड चल रहा है, जो ट्रकों के नाम पर स्कूटर की पॉलिसियां बेची जा रही हैं, इसके ऊपर IRDA को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक्शन लेना चाहिए, कोई ना कोई इसको, ये जो लूप होल है इसको बंद करना चाहिए और जो गाड़ी मालिक है उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और जो बीच में लूप होल है, असल में जब भी कोई बीमा होता है, किसी कोई भी कंपनी बीमा करे, उसका डेटा जो है वो वाहन सॉफ्टवेयर के पास जाना होता है। पहले बीमा कंपनी की एक वेबसाइट है, वहाँ पर इकट्ठा होता है जो हमें जानकारी है डेटा, और फिर वो वाहन के ऊपर अपडेट होता है। लेकिन वहाँ पर अपडेट होने का हर कंपनी का अलग अलग तरीका है,
और वहीं पर ये एजेंट जो है फ्रॉडस्टर, उनको पता है कि कैसे वो किया जाता है, तो उसी तरीके से वो वाहन पर अपडेट हो जाता है फर्जी बीमा। उसको भी सरकार के लेवल पर रोकना होगा कि जो फर्जी बीमा है वो वाहन पर अपडेट हो ही ना, तब भी जाकर इस चीज़ों को लगाम लग सकती है, और जो लोग इस कामों में लगे हुए हैं कैशबैक के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा, आपकी कोई जानकारी में ऐसा केस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा इस स्टोरी के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि और भी दोस्तों को इसके बारे में पता चले तो फिर क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, और ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है, 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा, वहीं चलते हैं उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।